नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नागदा में विधायक गुर्जर ने 35 लाख रुपए की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट की। मल्टी स्ट्रेचर वेंटिलेटर बीएस विद एसी और 23 मेडिकल इक्विपमेंट एएलएस सुविधा युक्त विधायक दिलीप गुर्जर ने 35 लाख रुपए की लागत के एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मल्टी स्ट्रेचरस वेंटिलेटर एम्बुलेंस भेंट की। नागदा राजीव गांधी की स्मृति में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर नागदा खाशरोद विधानसभा क्षेत्र के लिए शासकीय अस्पताल में 34 लाख रुपए की लागत के एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मल्टी स्ट्रेचरस वेंटिलेटर BS6 विद AC और 23 मेडिकल इक्विपमेंट ALS भेंट की। इस मौके पर विधायक सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सहित मेडिकल अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी SDM आशुतोष गोस्वामी CSP मनोज रत्नाकर भी मौजूद रहे। जनता की सौगात पर सभी ने जनता को बधाई दी और विधायक को धन्यवाद दिया। उज्जैन जिला ब्यूरो शंभू राठौर की रिपोर्ट। ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र के लिए दी है और आप खुद भी इस चीज़ से गुजर के आए हैं, क्या आप महसूस करते हैं इस चीज़ को देने के बाद में? शुरू से आज काफ़ी प्रसन्नता है कि आज हमने आधुनिक एम्बुलेंस हम क्षेत्र की जनता को समर्पित कर पाए। राजीव गांधी के इसमें जो माननीय कमलनाथ जी के निर्देश है, सभी विधायक दो एम्बुलेंस है। तो हमने जो कुमराव जी और सोलंकी जी से चर्चा की कि हमको देखिए एम्बुलेंस तो काफ़ी मिल जाती है, तो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। और निश्चित से इसकी उत्सुकता मुझे भी कई बार महसूस हुई तो कि हमारे नागदा जनसों में भी ये एम्बुलेंस नहीं है और हमारे जो मरीज है, ये अभी तो कोरोना के जो बहुत से मरीज जो दुर्घटना के, हार्ट अटैक के और अन्य गंभीर बीमारी के मरीज, जिनको हम उनको रुपये शुरू करना पड़ता है, वो कर नहीं पाते थे हम लोग। अपन तो इसके आने से हम लोग उनको इंदौर उज्जैन जहाँ भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। निःशुल्क से कई लोगों के लाइफ जो बचाने के लिए एम्बुलेंस काम आएगी और हमने प्रयास कर रहे हैं। हमने कार्गो गैस सिलेंडर भी, हम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी बांटने जा रहे हैं। कुछ दिनों से ये भी आ रहा है सामने कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की तीसरी लहर का जो प्रकोप देखा जा रहा है, कुछ ऐसे केसेस बढ़े हैं जिसको आपने भी पहले भी भापा है और पहले ही आग्रह किया था कि प्रशासन को, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जी? सबसे अभी हम लगातार इसलिए लहर नहीं आए, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। परंतु आए तो हम इस बात के लिए पूरी तरह सक्षम है कि हमारे क्षेत्र जनता को अपनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी विधायक जी, कुछ दिन पहले जैसे ऑक्सीजन की कमी भी रही थी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर आप अभी CSR फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, तो सरकार से हमने मांग करी थी उसका भी एक प्लांट यहाँ पर सरकारी अस्पताल में लगने जा रहा है। अभी हमने और मांग करी कि खाचोद में भी अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहे। मेरे साथ साथ में हमारे सरदार जी का नाम जितना जो ऑक्सीजन प्लांट था, आज हम हमारे क्षेत्र की जनता के लिए और आस पास क्षेत्र के लोगों ने बहुत अधिक काम आया हो, तो उसके लिए भी उनको बहुत धन्यवाद। बहुत सर वो तो हमेशा फ्री में सेवा करते रहा है। तो उस समय जनता परंतु सेकंड लेयर के बाद जनता को महसूस हुआ कि ऑक्सीजन लगाना जरूरी है। तब रोज कम आ रहे हैं और जनता कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे पूरी कोई अधिक से अधिक लोगों को सेकंड डोज। संदीप, कोई दुर्घटना या अप्रिय स्थिति घटित होती है तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत अमूल्य रहता है। आदमी की जान बचाने में एक एक सेकंड बहुत काम आता है। उस एक एक सेकंड का उपयोग करने के लिए ये एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस माननीय विधायक साहब की तरफ से सिविल अस्पताल नागदा और नागदा खाचरोद ब्लॉक को मिली है। मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय विधायक साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बारम्बार धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से हम इस आधुनिक एम्बुलेंस के सहायता से हम लोग काफ़ी उन्नति करेंगे, काफ़ी मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बोला कि सुरक्षा को लेकर, अभी जैसे ये एम्बुलेंस की सुरक्षा को लेकर कुछ, तो ऐसे क्या कदम उठाएगी आप लोग, क्या कदम उठाएंगे कि इसको एम्बुलेंस को सुरक्षित रखा जाए? एम्बुलेंस को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास में एक अस्पताल में शेड बना हुआ है और उसमें बकायदा ताले में एम्बुलेंस सुरक्षित रहती है। एम्बुलेंस का पूरा अस्पताल का जो स्टाफ रहता है सुरक्षा का रहता है। CCTV कैमरे पूरे अस्पताल में निगरानी में हम लोग हैं, तो सुरक्षा के संबंधित कोई इश्यू हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। एम्बुलेंस की सौगात दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आदरणीय विधायक महोदय द्वारा संजीवनी के रूप में एक आधुनिक एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट प्रदान की गई, जिसके लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद दूंगा।
क्योंकि इसके पास इस तरह के जब केस आते हैं तो हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तो मिल जाती है, लेकिन जो एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है चलता फिरता आईसीयू, वो हमें उज्जैन से बुलवानी पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं बिजी रहती थी। लेकिन इसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छी तैयारी में है कि हम लोग कोई भी पेशेंट इस तरह का आएगा क्रिटिकल का तो हम उसे सुरक्षित पहुँचा सकेंगे। एक बड़ी सौगात नागदा को दी गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नागदा खाचोट क्षेत्र के माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी के द्वारा आज इस क्षेत्र के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट के रूप में यह सौगात दी गई है। यह जो एम्बुलेंस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, यह अत्याधुनिक उपकरणों मेडिकल उपकरणों से लैस है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हमने पिछले साल और इस साल देखी, ऐसी भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन यदि ऐसी बनती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो मशीनरी होती है हमारे पास में, एक आईसीयू ऑन व्हील टाइप की एक इक्विपमेंट है और ये एक मशीनरी है, ये हमें काम आएगी। और उसके अलावा भी रूटीन में जो गंभीर मरीज हैं उनको हायर सेंटर्स इंदौर शिफ्ट करना है या उज्जैन में कहीं शिफ्ट करना है तो उसमें इसका बड़ा ही उपयोग रहेगा और जो बहुमूल्य मानवीय जीवन है उसको बचाने में निर्णायक साबित होगी। तो मैं बहुत विधायक जी ने ये सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस अस्पताल को दी है और इसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा। आने वाली तीसरी लहर हो या अन्य कभी भी जब भी ज़रूरत हो, तीसरी लहर की तो हम कहते हैं ना ही आए तो अच्छा है, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसका सदुपयोग होगा। सर आज जो तीसरी लहर की चर्चाएं चल रही हैं खाचरोद क्षेत्र के अंदर या नागदा क्षेत्र के अंदर, आपके प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की तैयारी अपन और चाहिए? अभी तैयारियां चल रही हैं अस्पताल में भी, जो है आज अस्पताल का जो आधुनिकीकरण होना है वो भी काम अभी चल ही रहा है।